कभी की सुनवाई हुई। डिविजन कमीशन जम्मू कश्मीर में सब जगह पे गया, अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक सब जगह घूमे। कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने इनको आवेदन पत्र दिए थे, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी दिए थे, और कश्मीर घाटी से भागकर जम्मू में शरण लेने वाले लोगों ने, और कश्मीर घाटी से भागकर देश भर में फैले हुए कश्मीरियों ने भी आवेदन दिए थे कि हमारा प्रतिनिधित्व का कोई डिलिमिटेशन कमीशन ध्यान ले। तो मुझे आनंद है मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने का संज्ञान लिया। भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने विधानसभा में दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके, और एक सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट। ये इसका हाथ। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था? हाँ, पहले नहीं मिलता, पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को दो सीट। हमने तीन सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने। मान्यवर, इसमें से दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और एक सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के नाम जाएगी, उसमें से एक महिला होना जरूरी। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है, और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी, पर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर के। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और धारा 15 के अनुसार किया जाता है, और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2 में से एक महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से एक नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया, और इस सदन ने इसको परमिशन दी, तो मान्यता दी, और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। मान्यवर, सुरक्षा का परिदृश्य में इस पर बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना कि मेरा फर्ज है। एक और से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70-70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को
न्याय दिलाने के लिए उनको दो सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने को रिजर्वेशन दिया, और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले शब्द की जगह पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक शब्द इनके रखकर आज ये बिल लगभग लगभग आया। इन्होंने क्या कहा, कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए, विस्थापितों के लिए क्या हुआ है, रिजर्वेशन देने से क्या होगा। रिजर्वेशन देने से उनकी आवाज कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिति करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनकी आवाज वहां,